The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. वैसे आप हार्ट देखो तो ऐसा वैसा रहता है, तो ये क्यों, मतलब इसका कुछ? देखो ये तो जो लोगोस बनाया हुआ है हार्ट के, वो इसलिए बनाए कि हार्ट के ऊपर दो चेंबर्स होते हैं और नीचे दो चेंबर्स होते हैं, और एक टिप होता है वो चेंबर्स का ना, एक कोना होता है, कोन होता है, इसलिए वो ऊपर और नीचे फिगरेटिवली वैसा बनाया गया है। टेक्निकली हार्ट वैसा नहीं दिखता, थोड़ा उसको उसके ऊपर बल्जिंग होती है, आड़े टेढ़ा दिखता है, थोड़ा सा रोटेटेड सा भी होता है। सो ये पहले जमाने से चल रहा है, इसलिए चल रहा है। सर वो चार आप जो बोल रहे हैं कि वो क्या क्या, क्या नाम होते हैं, बहुत पहले पढ़े थे। दो ऊपर एट्रियम्स होते हैं, राइट लेफ्ट एंड राइट, जिस एट्रियम्स होते हैं, और नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। एट्रियम वेंट्रिकल, तभी मैं बायोलॉजी में फेल हो गया। सर मुझे ही बताइए कि जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं या फिर कोई बैठा है किसी को, क्योंकि कई बार हमने ऐसे देखा है कि लोग खड़े खड़े बैठे बैठे उनको हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, तो अगर किसी के सामने मैं ऐसे बैठा हूं और ये है, इसको हार्ट अटैक अगर आ गया, तो क्या किया जाए, व्हाट इज द फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन? देखो पहले तो हमें ये सिर्फ शक्ल देख के नहीं बता सकते कि इसको हार्ट अटैक आ रहा है। हम सिर्फ उस शक की नगार पे रख सकते हैं। अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन है जिसको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, डिस्कम्फर्ट एक बड़ा टर्म है, पेन हो रहा है, चुभन हो रही है, दबाव हो रहा है, जलन हो रही है, फड़फड़ा रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, doesn't matter, वो चेस्ट में है, ऊपर है, नीचे है, राइट है, लेफ्ट है, भात में है, doesn't matter, अगर आपको इस तरह का डिस्कम्फर्ट है तो आपको उसके टेस्ट कराना चाहिए। ये बेसिक है, ठीक है। टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है, क्या होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा ना, और क्या होगा। अगर हार्ट अटैक है तो टेस्ट करा लेना, फायदा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट एड है, डू नॉट इग्नोर दैट सिम्टम। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इशू है, लोग कहते हैं गैस होगी, खट्टे डकार आ गए होंगे, मैं सोडा ले लेता हूँ, इनो ले लेता हूँ, काम हो गया। इवन हॉस्पिटल में आने के बाद, ईसीजी में चेंजेस आने के बाद, कई लोग मानते नहीं है कि नहीं, मुझे कैसे हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं तो बहुत हट्टा कट्टा हूँ, मुझे आज तक कुछ हुआ नहीं, हो सकता है गैस हो, समझ रहे। तो लोगों को मनाना मुश्किल हो जाता है कि भाई ईसीजी में गड़बड़ है या हार्ट का दर्द है, राइट। सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एड इज गो टू अ हॉस्पिटल, गेट एन ईसीजी डन। ईसीजी बहुत महंगा टेस्ट नहीं है, सिंपल सा टेस्ट है, और ज्यादातर केसेस में हार्ट अटैक उसमें पकड़ा जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज ईसीजी। अगर आप हॉस्पिटल दूर है और पेशेंट को बहुत ही दर्द हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो डेफिनेटली हार्ट अटैक पॉसिबल है, और उस केस में पेशेंट को लोकली आसपास के हॉस्पिटल से, मेडिकल स्टोर से आप कुछ मेडिकेशंस दे सकते हैं। अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस है हार्ट की बीमारी का, या उस पेशेंट की कोई मेडिकल हिस्ट्री है, वो ऑलरेडी कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, तो हर पेशेंट को उठा के ना तो हम सॉर्बिट्रेट देना चाहिए कि भाई जवान के नीचे गोली रख लो, ना हर पेशेंट को खून पतला करने की दवा देनी चाहिए, क्योंकि खून पतला करने की दवाओं से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, ब्लीडिंग भी हो सकती है, और सॉर्बिट्रेट जैसी जबान पे नीचे रखने वाली दवाइयों से ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, पेशेंट को चक्कर आ सकता है। सो ये क्लिनिकल जजमेंट या तो पहले से आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको रिस्क है, अगर कभी दर्द हो तो ये दवा ले लेना, तो ले सकते, ठीक है। हर पर्सन को ऐसा उठा के खुद से दवा नहीं देनी चाहिए, आपको हॉस्पिटल ले जाके ईसीजी कराना बेस्ट है।